दोस्तों अभी अभी जो है मैं उठा हूँ और लगभग 2:30 बजे जो है सुबह सो कर मैं उठा हूँ और अब हम जो है चाय पियेंगे और नमकीन खाएंगे, ये सब करेंगे। और इतनी देर से मैं इसलिए उठा क्योंकि मैं सोया भी देर से ही था, लगभग 6 बजे सुबह आराम मैं सोता हूँ 6 या 7 बजे, तो उस हिसाब से 6-7 घंटा सही रहता है। सुना होगा कि एक बहुत ही बड़ा मिथ चलता है कि अगर आप कोई खाना जो है वो माइक्रोवेव में बनाते हो तो वो जो है ख़राब होता है या फिर वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये दोस्तों एक मिथ है और ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है पॉसिबल, इस बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है माइक्रोवेव के अंदर कि अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको क्या करना, ना आपने कभी हाथ को रब किया, जैसे नमस्ते करते हैं ना, तो उसके बाद आप अपने हाथ को रब कर लिया, क्या होगा, आपके हाथ में हीट जनरेट होगा, आपका जो हाथ है वो गर्म हो जाएगा। सेम टू सेम चीज़ होती है माइक्रोवेव में, जैसे ही आप फूड को माइक्रोवेव के अंदर रखते हो तो क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उस फूड के अंदर, उनके अंदर फ्रिक्शन होता है जिससे कि हीट जनरेट होती है, जिससे कि वो फूड जो है गर्म होता है और पकता है। तो दोस्तों और इसीलिए कि अगर आप देखो ये कभी भी जब आप हैंडल पकड़ोगे माइक्रोवेव के अंदर कुछ भी रखोगे तो वो हैंडल गर्म नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। हो सकता है जो जिस बर्तन में आप रखो नीचे गर्म हो जाए क्योंकि फूड गर्म है, उसकी वजह से वो गर्म हो रहा है, माइक्रोवेव उसको गर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। तो यही करते हैं माइक्रोवेव, आप कोई फूड अंदर रखो उस फूड के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आप एक दूसरे में एकदम फ्रिक्शन के साथ रब करेंगे और उससे क्या होगा, आपका फूड गर्म होता है और पकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप माइक्रोवेव का फूड खाते हो या फिर आप इंडक्शन का कोई फूड खाते हो तो उससे आप बीमार पड़ जाओगे या फिर उससे कुछ आपका बुरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेडिएशन होता है दोस्तों, लेकिन रेडिएशन तो जो लाइट है, जो लाइट बल्ब लगा है आपके घर में उससे भी हो रहा है, लेकिन ये रेडिएशन आपको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई हाई लेवल का रेडिएशन नहीं है। तो ये एक मिथ है।